नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। विकी कौशल ने चीन बॉर्डर पर सैनिकों के लिए बनाई रोटियां, तस्वीरें हो रही हैं वायरल। जी हाँ, ये हैं विकी कौशल जो रोटियां बनाते कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। वेल, जैसा कि आप सब जानते हैं, विकी कौशल ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाकर काफी फेमस हुए हैं। अब विकी कौशल पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। उनका आर्मी लव सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी है। फिलहाल विकी कौशल भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों के साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रोटियां भी बनाई, आप देख सकते हैं ये फोटोज। विकी कौशल ने इंस्टा पर ये फोटो शेयर की हैं, जिसमें वो आर्मी के जवानों के साथ रोटी बनाते नजर आ रहे हैं। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में हैं। उन्होंने रोटी बनाते हुए एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार रोटी बनाई और ये रोटी सेना के लिए बनाई। उन्होंने फोटो में कैप्शन के साथ लिखा, मैंने पहली रोटी बनाई और गर्व है कि ये सेना के लिए है। आप देख सकते हैं किस तरह से काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बना रहे हैं विकी कौशल ये रोटियां। वेल, इसे पहले भी उन्होंने आर्मी के जवानों से मिलने की तस्वीर शेयर की थी। फोटो शेयर करते हुए काफी खुश नजर आए और उन्होंने ऐसे ही कैप्शन भी दिया था जो ये दिखाता है कि वो कितने खुश हैं सेना के साथ। आपको बता दें, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक विकी कौशल के करियर की अहम फिल्मों में से एक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाल किया। इस साल जनवरी में रिलीज हुई इस फिल्म को 26 जुलाई को महाराष्ट्र में एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इससे पहले विकी कौशल को संजू और मनमर्जिया में काफी पसंद किया गया था। विकी कौशल के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके पास कई फिल्में हैं। पहली मच अवेटेड फिल्म है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक, जिसमें वो शानदार नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उनके पास है तख्त, साथ ही वो भूत में भी नजर आने वाले हैं, जिसमें भी वो बहुत ही शानदार अवतार में नजर आएंगे। इसके अलावा वो उधम सिंह की बायोपिक में भी शानदार रोल में है। फिलहाल विकी कुछ इस तरह से रोटियां बनाते नजर आए। इस वीडियो में बस इतना ही।